हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी हमने 37 में 914 का डिवाइड कैसे करें, जिसको देखिए हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 914 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको बीच में लिखा जाता है। ओके, अब देखिए, यदि आप बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे डिवाइड की शुरुआत कैसे करना है, इसको ध्यान में रखते हुए सीखेंगे, तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और इसके साथ जीरो लिख देते हैं। क्या आप बड़ी, अभी भी बड़ी नहीं, तो फिर डिवाइड कितनी बार जाता है आपका, जीरो बार। कितना मिल गया, जीरो मिल गया। ध्यान क्या रखना है, डिवाइड में एक बार में केवल एक स्टेप ही करना होता है। फिर घटाया, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या अथॉरिटी है, घटाते जो संख्या है इसके साथ हमें जीरो लिखना है। कितना बन गया, 3700, इससे बड़ा। इसको हम एक से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 3700 से बड़ा ना आए। लगाओ दिमाग, इसको हमने किससे गुणा किया, 4 से, मल्टीप्लाई किया 4 से, क्या मिल रहा है, लेस देन 3700 मिल रहा है, यानी 3700 से बड़ा नहीं है। ठीक है, किससे गुणा किया, 4 से, तो डिवाइड कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। फिर हमने इसको घटाना है, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है इसके साथ जीरो आ जाएगा। क्या ये 914 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर डिवाइड हो गया 0 बार। फिर हमने घटाया, पॉइंट लगा रखा है, जीरो आ जाएगा। फिर हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करेंगे इससे बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। इसको यदि हम गुणा करते हैं 5 से, तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, तो फिर डिवाइड होगा कितना, 4 बार। फिर हम इसको घटाएंगे और इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या आ गया, आपका भागफल कितना है, 0.0404। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या सीखा, 37 में डिवाइड किया 914 का, कितना मिल गया हमें, 0.0404 मिल गया।